सब्सक्राइब करें हमारा ऑफिशियल यूट्यूब चैनल और बेल आइकन दबाकर पाएं सभी नोटिफिकेशन। श्लोके दुर्गा शिवाच देवेदं भक्तसलभे सर्वकाय विधायने कलोहे काय सज्जदाम रोहिनः देव्योवाच शृणु देवा प्रवक्ष्यामि करो सर्वे सुसाधना मया तमेव स्नेहेन ब्रह्मा स्तुतिः प्रकाश्यते ॐ अस्य श्री दुर्गा सप्तश्लोके स्तोत्रमन्त्रस्य नारायण ऋषिः कर्णष्टवछन्दः श्रीमहाकाले महालक्ष्मी महासरस्वत्यादेवता श्री दुर्गा प्रीत्यर्थ सप्तश्लोके दुर्गा पाठे विनियोगः ृष्णमोहाय महामाया प्रयाश्यते दुर्गे स्मृता हर्षभेदमशेषयन्तः स्वस्ते स्मृता मतिमतीह शुभां ददासे दारिद्र्यदुःखव्यहारिणि का त्वदन्या सर्वोपकारकर्णाय सदा ध्वजता सर्वमङ्गलमङ्गल्ये शिवे सर्वार्थसाधिके शरण्ये त्र्यम्बके गौरे नारायणे नमोऽस्तुते शरणागतदीनाथ परित्राणपरायणे सर्वस्यास्ति हरे देवे नारायणे नमोऽस्तुते सर्वस्वरूपे सर्वेशे सर्वशक्ति समन्विते वैव्यस्तायिनो देवि दुर्गे देवि नमस्ते रोगानशेषानपहंसितुष्टां हृष्टा त्वकामान् सकलानवेष्टान् त्वमाश्रितानां न विपन्नानां त्वमाश्रयाश्रयतां भयान्ति सर्वधाप्रसन्नं त्रैलोक्यस्य अखिलेश्वरीम् एवमेव दयाकायमस्मद्भैरिविनाशनम् ॐ श्री दुर्गायै नमः श्रीदुर्गास्तोत्र शतनामस्तोत्र ईश्वरवाज शतनामां प्रवक्ष्यामि सदर्श कमलानने यस्य प्रसादमात्रेण दुर्गा प्रीता भविष्यति ॐ सलिजाधि भव प्रीता भवानी भव माजनी आर्या दुर्गाशयाचार्या त्रिनेत्राशलधारिणी पिनाकधारिणी जिता चण्डघण्टा महातपा मनोज्जलहङ्गाराजितरूपाजराजिः
सर्वमङ्गलमये सत्या सत्यानन्दस्वरूपिणी अनन्ताभाविनी भव्या 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 सदागते शाम्भवे देव माता जाजन्दा रत्ना प्रिया सदा सर्वविद्या दक्ष कन्या दक्ष यज्ञाविनाशिनी अपर्णानेकभर्णा जा पाटला पाटलावते पट्टाम्बरपरिधाना कलमञ्जीरञ्जनी अमेया विक्रमा क्रूरा सुन्दरे सुरसुन्दरे वनदुर्गा च मातङ्गी मदङ्गा मुनिपूजिता भामी माहेश्वरी चन्द्री कुमारी वैष्णवी तथा चामुण्डा देव वाराहे लक्ष्मी जपुरुषागृहे विमलाकर्षणी ज्ञाना क्रिया नित्या च बुद्धिता बहुला बहुला प्रेमा सर्ववाहन वाहना निशम्बशम्बहरणे महिषासुरमर्दने मधुकेतवहन्ते च चण्डमण्डविनाशिनी सर्वासुरविनाशा च सर्वधानवघातिनी सर्वशास्त्रमये सत्या सर्वाक्षधारिणी तथा अनेकशस्त्रहस्ता च अनेकास्त्रस्य धारिणी कुमारे चेत् कन्या च केशरे यवदेयतेः अप्रौढा चैव प्रौढा च वृद्धमाता बलप्रदा महोदरे मुक्तकेशे गौररूपा महाबला अग्निज्वाला रौद्रमगे कालरात्रे सहस्विनी नारायणी भद्रकाले विश्वमाया जलोधरे शिवधूते कराले च अनन्ता परमेश्वरे कात्यायनी च सावित्रे प्रत्यक्ष ब्रह्मवादिने ज्ञायां ब्रह्मधे नित्यां दुर्गा नाम शताशकाम् नासाद्यां विद्यते देवे त्रिषु लोकेषु पार्वते धनं धान्यं सुतं जायां भयं हस्तिनमेव च चतुर्भर्गं तथा चान्द्रे लभे मुक्ते च शासते कुमारीं पूजयद्वादो ध्यात्वा देवीं सुरेश्वरीं पूजये त्वया भक्त्या पठे नामाशदाशकाम् पथसिद्धे देवे सर्वैः सुरवरैरपि राजानादासदां जान्ते राजश्रियमलाप्नुयात् घोरोचनालक्षकगङ्गमेन सिन्दूरकर्पूरमधुत्रयेण भिलेखयन्त्रविधिना विधिज्ञ भवे सदाधार्यते पुरारिः भौमावाजानिशामग्रे चन्द्रे सदविषां गते विज्ञाभवे सौरं सभवे सम्बदा प्रातःकालीन आरती की इस पवित्र वेला में आप सब भक्तों का माँ भगवती के दरबार में अभिनंदन आप सबका हार्दिक स्वागत। इस समय विश्व के कल्याण के लिए स्तोत्रों द्वारा माँ भगवती की स्तुति की जा रही है। विश्व के कल्याण में ही हम सबका कल्याण है। इस समय वैदिक मंत्रों द्वारा षोडशोपचार से विधिवत इस दिवगुहा के अंदर माँ भगवती की पूजा माँ की अर्चना की जा रही है। ऐसी मान्यता है कि जब माँ भगवती की पूजा होती ही पूजा के समय समस्त देवता गण भी करवत माँ भगवती की स्तुति करते हैं। आरती के इस पवित्र वेला में जो ही भक्तजन भक्ति भाव से एकाग्रचित होकर के विशुद्ध मन से माँ भगवती का ध्यान करते हैं, माँ का नाम स्मरण करते हैं, माँ भगवती की स्तुति करते हैं, माँ भगवती प्रसन्नता पूर्वक उन भक्तों के प्रार्थना को स्वीकार कर करके उन्हें वरदान देती है। आप सभी भक्तजन माँ भगवती के दरबार में विराजमान हैं। आप जो लक्ष्य लेकर घर से चले हैं उसी लक्ष्य पर अपना ध्यान केंद्रित कर करके भक्ति भाव से माँ भगवती के चरणों का ध्यान करते हुए माँ से प्रार्थना करें। माँ भगवती आप आए हुए शरणार्थ भक्तों की प्रार्थना को स्वीकार कर करके आपको आशीर्वाद दें, आपकी मनोकामना को आपके मनोरथ को पूर्ण करें। ये आरती की वेला है, बड़ी उत्तम वेला है। इस पवित्र वेला में की भगवती की आराधना अर्चना पुण्यकरण माँ भगवती की स्तुति इसका अक्षय फल होता है। विद्वानों द्वारा आपके कल्याण के लिए, आपके सुख समृद्धि के लिए, आपके अवधे के लिए
आपके उन्नति के लिए आपके दीर्घायु के लिए स्तोत्रों द्वारा माँ भगवती की स्तुति की जा रही है। यह स्तोत्र वास्तव में परम कल्याणकारी ही, सुख शांति सुख समृद्धि को देने वाले ही, धन धन की वृद्धि करने वाले ही। जो भी भक्तजन भक्ति पूर्वक इन स्तोत्रों द्वारा माँ भगवती की स्तुति करते ही माँ की कृपा से माँ के आशीर्वाद से उन भक्तजनों के जीवन में सदा सर्वदा रिद्धि सिद्धि रहती है। वह भक्तजन वह साधक जन माँ के आशीर्वाद से जहाँ जहाँ जाते हैं वहाँ वहाँ उन्हें कार्य में सिद्धि प्राप्त होती है, धन लाभ होते ही, उनका यश उनका मान उनकी कीर्ति बढ़ती है, वह आरोग्यता को प्राप्त होते ही दीर्घायु को प्राप्त होते हैं, उनके कभी अकाल मृत्यु नहीं होती, वह पूर्ण आयु का भोग करते हुए धर्म के मार्ग पर चलते हुए धर्मानुकूल कर्म करते हुए इस मां जगजन में मां जगदम्बा की आराधना अर्चना करते हुए परम कल्याण को प्राप्त होते हैं। आप सभी अपना ध्यान मां के चरण में ले जाइए और भक्ति भाव से एकाग्रचित होकर के विशुद्ध मन से इन स्तोत्रों द्वारा मां भगवती की स्तुति कीजिए। मां भगवती आप शरणार्थ भक्तों का कल्याण करें, आप सबका मंगल करें। अथ देव्य कवच ओम अस्य श्री चंडी कवचस्य ब्रह्मा ऋषि अनष्टव छन्दः चामुण्डा देवता अङ्कन्यासक्तमातरा भेलम् दिगबन्ध देवता सद्वम् श्रीजगदम्बा वेद्यर्थे सप्तशदेवाढागद्वेन यमे विनियोगः ॐ नमः शण्डिकायै मार्कण्डे उवाच ॐ जगयं परमं लोके सर्वरक्षागरमिदां जनकस्यजिदागदन्तमे भूहि मिलामः ब्रह्म उवाच अस्मिभयतमं मित्र सर्वभूतोपकारकम् दिव्यासोकजम्बन्यं दशनुष महामुने प्रथमं शैलभुद्धिज द्वितीयं ब्रह्मचारिणी तृतीयं चन्द्रखण्डेति कुष्णादेति जलोदकम् पञ्चमं स्कन्दमातेति षष्ठं कात्यायनेति च सप्तमं कालरात्रेति महाघोरेति दशमम् नवमं सिद्धिधात्रे च नवदुर्गः पृगेतिदा उत्थाने तानि नामानि ब्रह्मदेव महात्मना अग्निनादयमानसो यत्समध्ये गदोरणे विषमे दुर्गमे चैव विरातः शरणं गदा नादेशां जायते गञ्जे रजोमरणसङ्कटे नापदं तस्य भज्यानि शोकदुःखा वयं नहि ज्येष्ठ भक्त्या स्मृतानां तेषां वृद्धिः प्रजायते ेदानसंशयः प्रेतसंस्तातुषामण्डा वाराहिमहिषासना अन्ध्रेगजसमारूढा वैष्णवी गरुडासना माहेश्वरी विशारूढा कौमारी शिविवाहना लक्ष्मीः पद्मासना देवी पद्महस्ता हरिप्रिया श्वेतरूपासना देवी ईश्वरी विश्ववाहना भ्रामे हंसमारूढा सर्वाभरणभूषिता इत्येतामादरः सर्वः सर्वयोगा समन्विता नानाभरणशोभाढ्या नानारत्नाभशोभिता दृश्यन्ते रथमारूढा देव्यः क्रोध समाकुला शङ्खं चक्रं गदां शक्तिं हलं च मधुरायुधं प्रेक्षकं दामरं जला परशं वाशमेव च कुन्दायुधं त्रिशूलं च सारङ्गमायुधमुत्तमम् दक्षानां देहनाशाय भक्तानामभयाय च धारयन्दायुधानिधं देवानां च हिताय मे नमस्तेऽस्तु महारौद्रे महागौरपराक्रमे महाबले महोत्साहे महाभयविनाशिने राजिना देवि दुष्टजे शत्रुनामयवर्धिने राजा रक्षतु मामेन्द्रे अग्नियामग्निदेवता दक्षिणे वधुहाराय नैरत्या खड्गधारिणे
अभिचारा सर्वाणि मंत्रयंत्राणि भूतले भूजलः गेचराश्चैव यलयाश्चोपदेशिका सहजाकुलयामालाघ्नीशाकली तथा अन्तरिजराघोराघ्नश्च महाबला ग्रहभूतविशाचा यक्षगन्धर्वराक्षसा ब्रह्मराजसुष्मानवेरवादयः नश्यन्ति दर्शनादस्य कवचैः संस्कृते भाषाण देव वैराग्यस्य यो वृद्धि कलम्बरम् धृतदासोऽपि कीर्तिमण्डितभूतले लभे संस्कृते जन्ये कृता दुःखवचम् पुरा याभद्भुवन्धनम् दत्ते जलैलवनकारणम् कामतिष्ठति वैदिन्या सन्ततिः पुत्रपातके देहान्देवनहसान यस्वरैरपितर्दवम् रामदादेवर्षानिद्यां महामायाप्रसादतः भवते परमं रूपं शिवेन सह वदते ॐ अथ अर्गलस्तोत्रम् ॐ अस्य श्री अर्गलास्तोत्रमन्त्रस्य विष्णोर्षिः भाण्डोजोलछन्दः श्रीमहालक्ष्मे देवता श्रीजगदम्बा पीतये सप्तशले पाठकत्वेन शपे विनियोगः ॐ नमः शण्डिकायै भारगन्धे उभाज ॐ जयन्ति मङ्गलाकारे भद्रकाले कपालिने दुर्गा शिवाधाते स्वाहा सदा नमास्तुते जय त्वं देवजामङ्गलयभूतातिहारिणे जय सर्वगते देवे कालरात्रे नमास्तुते मधुगे तव हृद्रावे विदाति वरदे नमः रूपं देहि जयं देहि लजो देहि द्विजालहे महिषासुरनिर्नाशे भक्तानां सुखदे नमः रूपं देहि जयं देहि यशो देहि द्विजालहे रक्तबीजापधे देहि चण्डमुण्डविनाशिने रूपं देहि जयं देहि यशो देहि द्विजालहे शुम्भस्येव निशुम्भस्य धुम्नायस्य नमर्धिने रूपं देहि जयं देहि यशो देहि द्विजालहे वन्दिताग्रे देहि सर्वसौभाग्यदायिने रूपं देहि शयं देहि यशो देहि द्विजालहे अजिभ्यदोपजलित सर्वशब्दो विनाशिने रूपं देहि जयं देहि यशो देहि द्विजालहे नदेभ्यः सर्वधा वक्रा चण्डिके दलितापहे रूपं देहि जयं देहि यशो देहि द्विजालहे सुभद्रवक्तिभूर्वं चण्डिके व्याधिनाशिने रूपं देहि जयं देहि यशो देहि द्विजालहे चण्डिके सततं जयतामर्चयन्ति ह वक्तितः रूपं देहि जयं देहि यशो देहि द्विजालहे देहि सौभाग्यमारोग्यं देहि मे परमं सुखम् रूपं देहि जयं देहि यशो देहि द्विजालहे विदेहि दुषनाम्नाशं विदेहि बलमच्चके रूपं देहि जयं देहि यशो देहि द्विजालहे विदेहि देहि कल्याणं विदेहि परमाश्रयं रूपं देहि जयं देहि यशो देहि द्विजालहे सुरासुरशिरोरत्नानि कृष्णचन्द्रम्बिके रूपं देहि जयं देहि यशो देहि द्विजालहे विद्यावन्द्रं यशस्वन्द्रं लक्ष्मीवन्द्रं यलं करो रूपं देहि जयं देहि यशो देहि द्विजालहे प्रचण्डदे च सर्वग्ने चन्द्रिके प्रणदायने रूपं देहि जयं देहि यशो देहि द्विजालहे चतुरभुजे च सर्वत्र संस्तुते परमेश्वरि रूपं देहि जयं देहि यशो देहि द्विजालहे कृष्णेन संस्तुते देवे स्वस्वभक्त्या सदाम्बिके
रूपं देहि जयं देहि यशो देहि दुशो जहि हिमाचल सुधानाथ संसुदेव रमेश्वरी रूपं देहि जयं देहि यशो देहि दुशो जहि इन्द्राणी पति सर्वाभोजिदेव रमेश्वरी रूपं देहि जयं देहि यशो देहि दुशो जहि देवी प्रचण्ड दोदण्ड दैत्यदर्प विनाशिनि रूपं देहि जयं देहि यशो देहि दुशो जहि देवी वक्तजनो धामा दत्तानन्दोदयम्भिके रूपं देहि जयं देहि यशो देहि दुशो जहि पत्नी मनोरमां देहि मनोवृत्तानुसारिणि कारिणि दुर्गसंसार सागरस्य कुलोद्भवाम् विसंसोदं पठे दादो महासोदं पठे नरः साधो सप्तशरे सङ्ख्या परमापदे संवदा अथ कीलक ॐ अस्य श्रीकीलकमन्त्रस्य शिवाजिः मनसुवशन्दः श्रीमहासरस्वती देवता श्रीजगदम्बा प्रीत्यर्थम् सप्तशतीपाठकत्वेन जपे विनियोगः ॐ नमः शण्डिकायै मार्कण्डेय उवाच ॐ विशुद्धज्ञानदेहाय त्रिवेदे दिव्यचक्षुषे श्रेयाप्राप्तिनिमित्ताय नमः सोमाददारिणे सर्वमेतद्विहानीयान्मन्त्राणामवकीलकम् सोऽमिदेवम् वाप्नोति सततम् व्याप्य तत्परः सिद्धम् जातनादीनि वस्तूनि सकलान्यपि एतेन सुवधाम् देवी स्तोत्रमात्रेण सिद्ध्यति नामन्त्रो नाशतम् गत्वा नागेन्द्रेण विभिद्यते विना चापेन सिद्धेत सर्वमुज्जारनादिकम् समग्रान्यपि सिद्ध्यन्ति लोकशङ्कामि मामहः कृत्वा निमन्त्रयामास सर्वमेव इदम् शुभम् स्तोत्रम् यञ्जिघायासो दर्शनुक्तम् जगारसः स्वपादेन च पुण्यस्य ताम् यथा वन्यन्त्रणाम् स्वामि देवम् वाप्नोति सर्वमेवम् न संशयः कृष्णायाम् वाचसो दशमष्टम् व्यामासमाहितः तथा तीव्रलिगृह्णाति नान्यदेशासे सति इत्थमरूपेण कीलेन महादेवेन कीलितम् यो निष्कीलाम् हृदायेन नित्यम् जपते संस्फुटम् सा सिद्धः सागनासोऽपि गन्धर्भो जायते नरः नाचेदाप्यस्तस्य भयम् कापि हयायते नापमृत्योवशम् जाते मिथो मोक्षामवाप्नुयात् ज्ञात्वा प्रारभ्य कुर्वेद न कुर्वाणो विनश्यति ततो ज्ञातेव सम्बन्धमिदम् प्रारभ्यते बुधे सौभाग्यादि अस्मिन् चेत् दृश्यते ललनायने सर्वम् तत्प्रसादेन तेन याप्यामिदम् शुभम् शनेऽस्तु याप्यमानस्य सते सम्पत्तिरोच्चके भवत्येव समग्रामे तथा प्रारभ्यमेव तत् ऐश्वर्यम् यत्प्रसादेन सौभाग्यारोग्यदम् वदः शत्रुहारे परामाक्षः भूयते सारगम् जने श्रीमहिषासुरमर्दने स्तोत्र वैगिरिनन्दिनि नन्दितमेदिनि विश्वविनोदिनि नन्दनुदे गिरिवरविन्दशिरोदिनि I'm a man of many hearts, I'm a man of many hearts.
I'm not gonna lie.
क्षमा प्रार्थना अपराध सहस्राणि क्रियन्ते हर निशमय भासो यन्ते मामत्त क्षमस्व परमेश्वरि आवाहनं न जानामि भाजानामि विसर्जनं पूजां चैव न जानामि शब्द मनोर्थ पूर्ण करण वाले माता तेरी सदा ही जय सबको सद्बुद्धि देने वाले माता तेरी सदा ही जय बोलो सच्चे दरबार की जय। तभी ओम शब्द का नाद होगा, तीन बार ओम का उच्चारण किया जाएगा। आप सभी भक्तजन भक्ति भाव से हृदय से आवाज निकालते लंबे स्वर से सभी ओम का पाठ करेंगे। माँ से प्रार्थना करते हुए, हे माँ, इन स्तोत्रों द्वारा, इन मंत्रों द्वारा जो आपकी स्तुति की गई है, इसे प्रसन्नता पूर्वक स्वीकार करो और हम भक्तों का वरदान दो, हम भक्तों का कल्याण करो। सभी भक्ति भाव से माँ से प्रार्थना करते हुए ध्यान मुद्रा में तीन बार सभी एक साथ ओम का पाठ करेंगे। ओम
धर्म प्रेम बंधु भक्तजन साधक जन माँ भगवती का आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए माँ भगवती की कृपा प्राप्त करने के लिए माँ के दरबार में आकर के भक्ति भाव से माँ से करवत प्रार्थना करते हैं कि देवी प्रसन्न होइए और प्रसन्नता पूर्वक हम भक्तों का आशीर्वाद दीजिए। हे माँ, आपकी पूजा में, आपकी आराधना में, आपकी अर्चना में किसी प्रकार से भी हमसे कोई त्रुटि हुई हो, कोई भूल हुई हो, किसी प्रकार से कोई जीवन में जानने अनजाने में हमसे कोई अपराध हुआ हो, कोई पाप हुआ हो, तो माँ भगवती हम भक्तों को क्षमा करना और हम भक्तों का मार्गदर्शन करना, सदा हम पर अपनी दया दृष्टि बनाए रखना, अपने चरणों की अविचल भक्ति प्रदान करना। हे देवी, हे माँ वैष्णवी, आपके चरणों में हम सब भक्तों का भक्ति भाव से शत शत प्रणाम। लो सच्चे दरबार की जय। तो इस प्रकार से माँ जगजननी जगत माता की जिन भक्तों की कृपा हो जाती है, जिन भक्तों को इन तीनों देवियों का आशीर्वाद प्राप्त हो जाते हैं, जिन पर ये तीनों देवी माता महाकाली, महालक्ष्मी वैष्णवी और माता महासरस्वती ये कृपा करती हैं, उनके जीवन में सदा सर्वदा रिद्धि सिद्धि रहती है, उन भक्तों के सब कार्य सिद्ध होते हैं, वह जो भी मन में चिंतन करते हैं, जो भी उनकी मनोवृष्ट कामना होती है, माँ की कृपा से, माँ के आशीर्वाद से वह सब पूर्ण होती है और उनका गृह जीवन जो है सुखी बना रहते हैं और जीवन में कोई विघ्न बाधा नहीं आती, जिन पर माँ की कृपा हो जाती है। इसलिए देवी की कृपा प्राप्त करने के लिए, माँ का आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए माँ की आराधना, माँ की अर्चना, माँ की पूजा है। माँ की पूजा जो है ये कोई बहुत बड़ा विधान नहीं है जिसे व्यक्ति कर नहीं सकता। सबसे पहले जो है आपका जो भी इष्ट है, जिसकी आप साधना करते हैं, उसके प्रति जो है पूर्ण श्रद्धा, सच्चे हृदय से जो है विशुद्ध मन से उसका स्मरण करना, प्रतिदिन प्रातःकाल सायंकाल जो है, और जो है इसमें क्या होता है, भगवान की पूजा जो है, भगवान तो श्रद्धा देखते हैं, आपके हृदय में भगवान के प्रति क्या भाव है। भावे विद्य देवा तस्मात भाव ही कारणम, भावना एकमात्र जो है कारण है जिससे जो है देव प्रसन्न होते हैं और प्रसन्न होकर के जो है साक्षात दर्शन भी दे देते हैं। ध्रुव भक्त जो था वह क्या था, श्रद्धा थी जिससे जो है भगवान की भक्ति कर करके जो है इस 6 महीने में ही उन्होंने भगवान का साक्षात्कार कर लिया। शबरी में क्या था, उसको वेद शास्त्र नहीं आते थे, कोई ज्ञानी नहीं थी, कोई तपस्वी नहीं थी, श्रद्धा थी, श्रद्धा थी इस प्रकार से जिससे उन्होंने भगवान स्वयं जो है उसके पास मिलने के लिए आए, उनके हाथों से फल खाए। तो श्री श्रद्धा युद्ध होकर के जब हम धूप दीप नैवेद्य जे भगवान की जो पूजा होती है, क्योंकि भाव से जो है जब साधक जन भगवती की स्तुति करता है, माँ की आराधना अर्चना पूजा करते है, उसमें क्या माँ ने स्वयं कहा है, स्वतः संपूजता पुष्प धूप गंधा व्यस्त था तो दाते वित्तम पुत्र मतिम धर्मे गतिम शुभा। जो भक्त जन जो है गंध पुष्प धूप दीप नैवेद्य जे पंचोपचार पूजा होती है कि प्रातः उठते हैं, स्नान करते हैं और इस प्रकार भगवती की जो प्रतिमा है या जो भी आपका इष्ट है उसको स्नान कराना, तिल करना, फूल चढ़ाना, धूप और दीप जो प्रज्वलित करना और नैवेद्य अर्पित करना, फिर स्तुति करना, जो भी 2 मिनट 5 मिनट जो स्तुति करते हैं, स्तुति करें, प्रणाम करें, आशीर्वाद प्राप्त करें, उसके उपरांत जो है वह प्रसाद जो सबको वितरित कर दे, तो जीवन में कभी कोई विघ्न बाधा नहीं आएगी। तो माँ कहती इस प्रकार से जो गंध पुष्प धूप नैवेद्य आदि से मेरा पूजन करते हैं, मेरी स्तुति करते हैं, सदा संपूजता इस प्रकार से मेरा पूजन करते हैं, मैं प्रसन्न होकर के ददाती वित्तम धन लक्ष्य का वरदान देती हूँ, धन देती हूँ, धन करने वरदान देती हूँ, पुत्र च पुत्र सुख देती हूँ, संतान सुख देती हूँ, पुत्र च मतिम धर्मे गतिम शुभम, और जो है मतिम धर्मे धार्मिक मति धार्मिक बुद्धि जो है अर्थात ज्ञान विवेक जो देती है, धार्मिक मति धार्मिक बुद्धि देती है, धर्म की ओर ले चलती है और गतिम शुभम अंत में जो उत्तम गति को दे देती है अर्थात परमोक्ष को देती है।
तो धर्म अर्थ काम और मोक्ष इन चारों पुरुषार्थ को देने वाली जय भगवती हैं। जो भगवती के शरणागत हो जाते हैं उनका मन पवित्र बना रहता है, उनका मन पवित्र होते हैं, उनकी बुद्धि उनके विचार पवित्र होते हैं, उनका जीवन पवित्र होता है। उनके जीवन में जय कभी कोई विघ्न बाधाएं वो नहीं होती, जय फल होते हैं श्रद्धा युक्त होकर के इस जगजन जगत माता की पूजा का, क्योंकि उनकी बुद्धि उनके विचार जो हैं वह पवित्र होते हैं, उनका जीवन पवित्र होते हैं, उनकी बुद्धि बिल्कुल ठीक काम करती है, कभी किसी से द्वेष नहीं करती। इसलिए जो माँ के शरणागत हो जाते, क्योंकि जो भगवती महामाया है, जो माँ के शरणागत हो जाते हैं उन पर माया का प्रभाव नहीं होता, बस सब जानते हैं संसार क्या है। और जो अपने अहंकार में रहते हैं कि मैं ही सब कुछ है, चाहे वह तपस्वी हैं, चाहे वह ज्ञानी हैं, बड़े विद्वान हैं, चाहे वह धनवान हैं, किसी भी शक्ति संपन्न हैं, अहंकार है, तो माया उन पर प्रभाव कर देती है, ऐसा प्रभाव डालती है पता नहीं चलता कि हो क्या रहा है। मैं सैंकल को वृत्रसुर की कथा बतला रहा था कि त्वष्टा ऋषि हुए जो प्रजापति थे, देवताओं में उनका बड़ा मान सम्मान था। अब जब देश होता है कि मैं इतना शक्तिशाली हूँ, मैं इतना तपस्वी हूँ, उसी प्रकार से अब जो है इंद्र जो है वह भी सोचते हैं कि मैं देवताओं का राजा हूँ। तो जब अहंकार होता है तो एक अपराध होता है, अब उसको जो है उससे बचने के लिए फिर व्यक्ति कई अपराध करता जाता है। एक झूठ को छुपाने के लिए जो है व्यक्ति जो कितने झूठ बोलता है, लेकिन अंत में वह झूठ उजागर हो ही जाता है। कभी ना कभी कहीं ना कहीं जो है अब देखिए इस प्रकार से यही कथा मैं कल बतला रहा, इसके आगे की कथा है कि जो त्वष्टा ऋषि जो थे जैसे इंद्र के साथ जो है विमनस्त हुए, तो उसने अपने तप बल से ऐसा पुत्र उत्पन्न किया विश्वरूप, जिसके तीन सिर थे, एक मुख से जो है तीन मुख थे, एक मुख से वह जो है भेद पाठ करता, दूसरे मुख से मधुपान करता था, तीसरे मुख से जो है वह दसों दिशाओं में सर्वत्र अवलोकन करता था, देखता था। और उसने ऐसी तपस्या की जिसकी तपस्या को देख करके इंद्र घुराया कि मेरा सिंहासन चला जाएगा। और उसने जो है तपस्या में रथ जो है उस विश्व रूप को जो है वध कर दिया। इंद्र आए और आकर के पहले तो प्रजनन किया किसी प्रकार से तपस्या से विरत हो जाए, जब ऐसा नहीं हुआ तो जब स्वयं आकर के वह तपस्या में तल्लीन थे और आकर के उन्होंने पीछे से वज्र का प्रहार किया, मार दिया। फिर तक्षक को कहा कि आप इसके सिर जो है ये काट दीजिए, क्योंकि मुझे किसी प्रकार संशय रहे, क्योंकि ऐसा लगता है देख करके मार तो दिया मैंने, परंतु ऐसा लगता है कि अभी जीवित है, कहीं जीवित ना हो जाए। तो तक्षक से उसके सिर कटवा दिए, ब्राह्मण हत्या हुई, पाप हुआ। उसके उपरांत जो है अब त्वष्टा ऋषि को जब जो है जब पता चला मेरे पुत्र को इंद्र ने मार दिया, अब जिसका पुत्र मारा उसके क्रोध तो आएगा ही, अब क्रोध हुआ कि इंद्र ने ऐसा जो है मेरे पुत्र को जो निरपराध था वह तो तपस्वी था उसको मार दिया, ऐसा क्यों किया। तो जो है उसने कहा कि अब मैं इंद्र को नहीं छोड़ूंगा। कहते फिर जो अपने तप बल का प्रयोग करते हुए यज्ञ किया और यज्ञ से जो है ऐसा पुत्र उत्पन्न किया वृत्रासुर, असुर उत्पन्न कर दिया। अब जो है ऋषि ने यह आठ दिन कहते हैं उन्होंने यज्ञ किया और यज्ञ से वृत्रासुर की उत्पत्ति हुई, और वृत्रासुर जो है उसने जो है त्वष्टा ऋषि ने उसको शक्ति प्रदान की। अब जो शक्तिशाली जब हुआ तो उसने पूछा कि मुझे किस लिए आपने प्रकट किया है, मेरा नाम क्या, मेरा काम क्या है। तो उन्होंने कहा कि इंद्र शत्रु है मेरा, आपके बड़े भाई को जो है वह तपस्वी था, विद्वान था, वह तब कर रहा था, तब करते हुए निरअपराध मेरे पुत्र को जो है इंद्र ने वज्र का प्रहार करके उसको मार दिया, इसलिए उसका बदला लेना है, आप इंद्र को पराजित कीजिए। बोलो सच्चे दरबार की जय। जहां तक ये कथा थी इसके आगे जो है अब जो है वृत्रासुर जो है अब इतना शक्तिशाली था, अब जो है वह रथ के ऊपर विराजमान हुआ और स्वर्ग लोक पर आक्रमण कर दिया। अब अन्य देवताओं ने भी देखा कि ये वृत्रासुर ऐसा इतना शक्तिशाली है जिनको देवताओं ने कभी पराजित कर दिया था, वह देवते जो है उसके साथ मिलना शुरू हो गए, हम भी आपकी सहायता करेंगे।
सब दैत्य उसके साथ जुड़ गए और इस प्रकार इतनी बड़ी सेना उसके साथ चल पड़ी, दैत्य सेना जो है वृत्रासुर के साथ जो है। और अब जब देवताओं को पता चला, जाकर के जो है गुप्तरों ने इंद्र को बतलाया कि इस प्रकार का वृत्रासुर जो है, जो त्वष्टा ऋषि ने उसको जो है जब प्रकट किया है और दाव को मारने के लिए आ रहा है, इतना शक्तिशाली जो देख करके ऐसा लगता है कि साक्षात काल ही आ रहा है। ऐसे से कृति है कि हिमालय पर्वत की तरह जो है ऐसी उसकी आकृति बड़ा भयंकर है, देखने से लगता है साक्षात काल है। अब क्या होगा? इंद्र घबराए और जो है अब जो है गुरुदेव को बुलाया, बृहस्पति को, महाराज जी ऐसा हुआ है अब क्या करें। बृहस्पति ने कहा देखो आपने बहुत बड़ा पाप किया है, पाप का फल भोगना ही पड़ता है। निरपराध उस ऋषि को जब तपस्वी था उसको आपने मार दिया, अब जब कोई राजा है चाहे कोई रंग का फकीर है, धन धनवान है निर्धन है, यदि पाप करते हैं तो फल भोगना पड़ता है, भले व्यक्ति भूल जाए। हमारे जीवन ऐसे कोई कष्ट आ जाते हैं, जब कष्ट आते हैं तो उस समय जान लेना चाहिए किसने किस जन्म का हमारा कोई पाप है जो सामने आया। और ऐसे संकट काल में घबराए नहीं, जितनी भक्ति हो सकती भक्ति करें, माँ के शरण धोकर के मंत्र जप करें और इस प्रकार साधना करने से प्रायश्चित होता है, कहीं ना कहीं हमसे कोई पाप हुआ है, प्रार्थना करें। प्रार्थना अद्भुत शक्ति होती है, पाप का प्रायश्चित होता है, जो बड़ा संकट है वह थोड़े में टल जाता है। जहाँ मृत्यु तुल्य योग होगा वहां पर जो हो सके ठोकर लगे, जहाँ गिर गए, जहाँ कोई ऐसी दुर्घटना हुई उससे व्यक्ति बच जाता है जब उसकी कृपा हो जाती है। तो ऐसे संकट काल में जब विपत्ति आ जाती है, कोई संकट आया समझना जो हमारे किसी जन्म का कोई पाप का फल है, उस समय खूब भक्ति करना। बोलो सच्चे दरबार की जय। अब यही गुरु भी समझा रहे हैं कि आपके पाप का जो फल है अब जिसको प्रायश्चित करना इतना आसान नहीं है, कि ऐसा जो असुर है जो प्रायश्चित नहीं हो सकता है। अब जो है इतने में पहुंच भी गया और जो है अब देवता के साथ उनका युद्ध हुआ, आप देवता जत्र तत्र जो है वह भागने लगे, उसका सामना नहीं कर पाए। और जहां तक इंद्र जो है इंद्र के साथ युद्ध हुआ, अब इंद्र का रथ उन्होंने छीन लिया, कहते हैं कि इंद्र को जो है उसने पकड़ करके अपने मुख में डाल लिया, इतना शक्तिशाली वह दैत्य था। जब इंद्र को अपने मुख में डाल लिया, अब जब सभी देवता घबरा गए, जब राजा नहीं रहा है अब बाकी लोगों का क्या होगा, सारी सेना घबरा गई, देव सेना जो है अब क्या करे कहाँ जाए। सब भागते हुए गुरु बृहस्पति के पास गए, महाराज अब जो ऐसा हो गया है इंद्र को तो उसने निगल लिया, खा लिया, क्या करें। तब जो है गुरु बृहस्पति ने देखा अपने योग द्वारा, तो उन्होंने कहा आप घबराइए नहीं, इंद्र जीवित है, उसने अपने मुख में तो डाल लिया अभी बस जीवित है, आप ऐसा कीजिए भगवती जो है जम्भाई देवी की उपासना कीजिए, भगवती के शरणागत हो जाइए, माँ से प्रार्थना कीजिए। सभी देवगण जो उस समय कहते हैं कि जम्भाई देवी जो है उन्होंने स्तुति की, जब स्तुति की तो वृत्रासुर को जम्भाई आई, जम्भाई आई मुख खुला, जैसे मुख खुला और इंद्र जड़ से बाहर निकला है। बोलो सच्चे दरबार की जय। रथ विहीन नंगे पैर जो है इंद्र भागता हुआ वहां से भाग गया, देवता भी भाग गए। अब जे परिस्थिति हुई इंद्र की, जे इसलिए कहते हैं कवि की किसी का बुरा मत कीजिए, किसी द्वेष मत कीजिए, पाप का फल जब भोगने पड़ता है, पाप का फल क्या होता है, दुख होता है, संकट आते विपत्ति आती है, तो नंगे पैर जो है बिना रथ के जो है रथहीन जो है इंद्र भाग से भागता हुआ चला गया। अब वृत्रासुर ने देखा कि सबके सब भाग गए हैं और निहत्तों पर जो है युद्ध जो है उनको मारना जो है ये उचित नहीं है, धर्म विरुद्ध है, ऐसी बात दैवी सोच रहा है। अब वापस लौटता है, आकर के पिता को प्रणाम किया, पिताजी आपका मनोरथ मैंने पूर्ण कर दिया है, इंद्र को जो है सभी देवताओं को मैंने जो है प्रायित कर दिए है, अब सभी जो है इंद्र तो रथहीन होकर के नंगे पैर वहां से भाग गया युद्ध भूमि से, इसलिए उन हत्तों पर जो है मारना उनको मारना मैंने उचित नहीं समझा, इसलिए मैंने उनको छोड़ दिया। तब जो है उन्होंने कहा आपका मनोरथ पूर्ण हुआ, आप पिता त्वष्टा जी बड़े प्रसन्न हुए कि पुत्र आपने बड़ा अच्छा कार्य किया, जो मेरा मनोरथ जो था मेरा पूर्ण हुआ है, परंतु शत्रु को निर्बल नहीं समझना चाहिए, इंद्र जो है बड़ा छली है, कपटी है, कहीं भी कुछ भी कर सकता है, इसलिए अब जो है आप साधना कीजिए।
ब्रह्मा है, भगवान शिव है, भोले बाबा है, वो शीघ्र प्रसन्न होकर वरदान देते हैं। ऐसे वरदान प्राप्त कीजिए तब कर करके इस प्रकार से इंद्र को सदा के लिए सिंहासन से निकाल दीजिए। अब जो है उन्होंने तप किए, ब्रह्मा को तपस्या की, ब्रह्मा को प्रसन्न किए, उनसे आशीर्वाद प्राप्त की, वरदान प्राप्त की, भगवान शिव की आराधना की, तप किया, उनसे वरदान प्राप्त किए, इतने शक्तिशाली हुए। उसके बाद फिर जो है देवताओं के साथ उनका युद्ध हुआ। अब जो इंद्र ने जब परामर्श किया तब जो है कहते कि उस समय भगवान विष्णु ने उनको कहा कि अब ऐसा करो कि वृत्रासुर के साथ संधि कर लो, और कोई उपाय नहीं है, और जब मौका मिलेगा तब अपना काम कर लेना। अब जो है युद्ध हुआ और युद्ध में जो है वही इंद्र पुनः पराजित हुए, स्वर्ग का राज्य वृत्रासुर के पास आ गया। अब देवगण जो उनसे मिलकर कहने महाराज हमारे साथ आप संधि कर लो, इंद्र जो है आपके साथ मित्रता करना चाहते हैं। अब जो है इंद्र के साथ उनकी मित्रता हुई, मित्रता कैसे हुई कि भगवती से प्रार्थना की कि असुर को मोहित कीजिए। जैसे कहते हैं भगवान विष्णु ने समझाया कि जिस समय मधुर केतु के साथ मैंने युद्ध किया था तो मैं उनको पराजित नहीं कर पा रहा था, तब मैंने भी माँ की शरण ग्रहण की, माँ से प्रार्थना की, जब माँ ने जो है उन दोनों असुर को मोहित किया तो ही मैं उनका वध कर पाया था। इसलिए आप भगवती की शरण धोकर के माँ से प्रार्थना कीजिए। तो माँ से प्रार्थना की, भगवती ने ससुर को मोहित किया, और जब संधि प्रस्ताव लेकर गए तो ससुर ने कहा ठीक है, इंद्र मेरे साथ संधि कर रहे, मित्रता कर रहे हैं, तो ठीक है हम आपको मित्र बना लेते हैं। तो मित्र हो गए दोनों। जब वृत्रासुर के पिता को जब पता चला कि इंद्र को उसने मित्र बना लिए है, तब जो अपने पुत्र वृत्रासुर को समझाता है जो तुमने ठीक नहीं किया, इंद्र जो है ये शली है, कपटी, कभी कपट कर सकता है, मित्र बना करके शत्रु को मित्र बनाया है तो कहीं भी आपको दुख हो सकता है, इसलिए मित्रता छोड़ दीजिए। उसने कहा देखिए जे मेरे पास स्वयं आए हैं तो इस प्रकार से मित्र हैं, जे मेरा कुछ नहीं कर सकते, मैं इतना शक्तिशाली हूँ और ऐसे ऐसे वरदान ही मैंने प्राप्त किए हैं कि ना तो मुझे कुछ देवता जो है मुझे पराजित कर सके, ना कोई मुझे मार सके, ना कोई दिन में मार सके, ना रात को मार सके, ना गीले शस्त्र से, ना सूखे शस्त्र से, ऐसा वरदान उन्होंने ब्रह्मा और भगवान शिव से प्राप्त किए थे, ना गीले शस्त्र से ना सूखे शस्त्र से कोई मुझे इस प्रकार से को मार ना सके, अब मृत्यु सबके निश्चित है ही है। अब परस्पर मित्रता हुई, उसने कहा ठीक है तुम्हारी इच्छा, लेकर शत्रु के साथ ऐसे मित्रता नहीं करनी चाहिए। कहते इस प्रकार से प्रतिदिन जो है इंद्र के साथ मिलते थे, वार्तालाप होती थी। इस प्रकार से एक दिन ऐसा समय आया, समुद्र तट के किनारे दोनों भ्रमण कर रहे थे, सैर कर रहे थे दोनों, और कोई नहीं था तीसरा, दोनों सैर कर रहे थे। अब इंद्र के मन में आया कि अकेले हैं, इसके साथ ही कोई नहीं, मेरे साथ ही कोई नहीं। अब जब भगवती का स्मरण किया कि क्या करूं, कैसे इसको मारूं, और सामने जो है समुद्र में जो फेन होती है ना गीली है ना सूखी है, कहते उस समय भगवती का स्मरण किया और उस फेन को उन्होंने उठाया और उस फेन में ही भगवती जो शक्ति के रूप में विराजमान होगी, और फेन को जैसे जो है उसका प्रहार उसने वृत्रासुर पर किया, वो वही वज्र के रूप में हो गया और वहीं पर उसकी जीवन लीला समाप्त होगी। बोले सच्चे दरबार की जय। वृत्रासुर को भी इंद्र ने मार दिया छल करके। जी होता है पाप का फल जो है, अब जो है अब उसने मित्रता की है, फिर एक और पाप कर दिया जी, फिर हत्या हो गई। इसके उपरांत जो है फिर जब उसे पाप लगा तो इंद्र का सिंहासन चला गया था। उसके प्राण जैसे इस प्रकार से इंद्र को पूर्ण आता हूँ कि बहुत कष्ट भोगना पड़ा इंद्र को जो है, इंद्र का सिंहासन चला गया। उसके प्राण जो है नहुष नाम के ऋषि हुए हैं, उस ऋषि ने जो है वह उस समय सभी देवताओं ने जब देखा कि नहुष ऋषि जो है ये सबसे योग्य ऋषि है, तपस्वी है, और जो देवता को जो है जो सिंहासन संभाल सकते हैं, चला सकते हैं, उनको जो इंद्र के पद पर जो है नियुक्त किया था, परंतु उसको भी अहंकार हो गया था जे उस पद ऐसी चीजें है जो संभालना इतना आसान नहीं है, आदमी पहुंच जाता है सब प्रकार की शक्ति मिल जाती है, परंतु इस प्रकार से अहंकार से बचना इतना आसान नहीं होता। वह ऋषि व तपस्वी थे तो भी अहंकार में आए, और अहंकार के आने के कारण जब उन्होंने ऋषि का अपमान किया था तो क्या हुआ कि शाप मिला, शाप से ही वह अजगर बने थे, सांप की जोड़ी में चले गए।
तुझे कथा मैं सायंकाल को बतलाऊंगा आगे की, कि आप इंद्र कब तक जो है किस प्रकार से सिंहासन से बचे रहे, किस प्रकार से उसकी पत्नी ने जो है भगवती को प्रसन्न किया और बृहस्पति ने यज्ञ करवाया, यज्ञ करवाकर माँ को प्रसन्न किया और पुनः कैसे उन्हें जो है फिर अपना सिंहासन जो था बस स्वर्ग लोक कैसे प्राप्त हुआ। सच्चे दरबार की तो इसलिए कहने का मेरा अभिप्राय ये था, ये तो किसी द्वेष मत करें, दूसरा जो है भगवती के शरणक धोकर के प्रतिदिन प्रातःकाल सायंकाल जो है माँ से प्रार्थना करें कि हमें सद्बुद्धि सद्ज्ञान दे, हमारा मार्गदर्शन करें। जो भगवती के शरणक धोकर के प्रतिदिन प्रातःकाल माँ की ज्योत जगाते हैं, माँ से प्रार्थना करते हैं, माँ की आरती करते हैं और माँ का आशीर्वाद प्राप्त कर करके ये प्रार्थना करते कि हमें सद्बुद्धि सद्ज्ञान देना, हम जिस कार्य के लिए जा रहे हैं उस कार्य में हमें सिद्धि प्राप्त हो और ऐसी कृपा करना, ऐसा आशीर्वाद देना, हमसे अच्छे कार्य हो, भले कर्म हो बुरे कर्म ना हो, ऐसी हम पर कृपा करना, हमारी बुद्धि में कोई विकृति को विकार ना आए। बोलो सच्चे दरबार की जय। तभी भजन की वेला ही मैं निवेदन कर रहा हूँ श्री जयपुर से माँ के चरण भजन प्रस्तुत करेंगे आप सभी भक्त संकीर्तन में सहयोग देना, से मिलकर ताली बजाते हुए श्री जयपुर जय कर शिरवली सच्चे दरबार की मैया। मैं तेरी पतंग मैया, मैं तेरी पतंग हवा विच उड़दी जावांगी, हवा विच उड़दी जावांगी, हवा विच उड़दी जावांगी, हवा विच उड़दी जावांगी। हां मैया डोर हथों छड़ी ना मैं जामांगी, ओ मैया डोर हथों छड़ी ना मैं कटी एक बार। सही भक्त ने अपने अपने हाथ ऊपर उठाकर सभी माँ के चरणों में अपने अपने हाजिर दीजिए, हाथ ऊपर करने से माँ के दरबार की हाजिर होती है, तो हाथ सभी ऊपर, माँ भगवती आप भक्तों की हाजिर स्वीकार करें, आपकी झोलियाँ भरें, आपकी मुरादें पूरी करें, आपका जीवन खुशी से भर देता है। दे नल मिलिया मैनू तेरा द्वारा है, मैनू तेरा द्वारा है, मुश्किल दे नल मिलिया हो मैनू तेरा द्वारा है, हो मैनू तेरा द्वारा है, ओ बड़ी मुश्किल दे नल मिलिया मैनू तेरा द्वारा है, मैनू तेरा द्वारा है, ओ बड़ी मुश्किल दे नल मिलिया मैनू इको तेरा आसरा नल तेरा सहारा है, नल तेरा सहारा है, मैनू इको तेरा आसरा नल तेरा सहारा है, ओ नल तेरा सहारा है, इक तेरे ही भरोसे, इक तेरे ही भरोसे, हवा विच उड़दी जावांगी, मैया डोर हथों छड़ी ना मैं कटी जावांगी, मैया डोर हथों छड़ी ना मैं कटी जावांगी, मैया मैं तेरी पतंग, हां मैया मैं तेरी पतंग, मैं चरणा कमला नालू मैनू दूर हटावी ना, मैनू दूर हटावी ना, चरणा कमला नालो ओ मैनू दूर हटावी ना, ओ मैनू दूर हटावी ना, इस झूठे जग दे अंदर मेरा पेचा लावी ना, मेरा पेचा लावी ना, इस झूठे जग दे अंदर ओ मेरा पेचा लावी ना, ओ मेरा पेचा लावी ना, फिर मैं लुटी जावांगी,
ਹੋਰ ਹੱਥੋਂ ਛੱਡੀ ਨਾ ਮੈਂ ਕੱਟੀ ਜਾਵਾਂਗੀ ਓ ਮਈਆ ਹੋਰ ਹੱਥੋਂ ਛੱਡੀ ਨਾ ਮੈਂ ਕੱਟੀ ਜਾਵਾਂਗੀ ਆ ਮਈਆ ਮੈਂ ਤੇਰੀ ਪਤੰਗ ਓ ਮਈਆ ਮੈਂ ਤੇਰੀ ਪਤੰਗ ਜੈਕਾਰਾ ਸ਼੍ਰੀ ਵਾਲੀ ਦਾ ਬੋਲ ਸੱਚੇ ਦਰਬਾਰ ਕੀ ਜੈ ਕਵੀ ਭਜਨ ਪ੍ਰਸਤੁਤ ਕਰਾਂਗੇ ਸ਼੍ਰੀ ਸੁਰੇਸ਼ ਜੀ ਜੈ ਕਰਾ ਮੇਰੀ ਸ਼ਰਵਲੀ ਮਈਆ ਜੀ ਕਾ ਬੋਲ ਸੱਚੇ ਦਰਬਾਰੀ ਜੈ ਇੱਕ ਬਾਰ ਜੋ ਤੇਰੀ ਰਹਿਮਤ ਕਾ ਥੋੜਾ ਸਾ ਇਸ਼ਾਰਾ ਹੋ ਜਾਤਾ ਇੱਕ ਬਾਰ ਜੋ ਤੇਰੀ ਰਹਿਮਤ ਕਾ ਥੋੜਾ ਸਾ ਇਸ਼ਾਰਾ ਹੋ ਜਾਤਾ ਚੱਕਰ ਇਸ ਜਨਮ ਚੱਕਰ ਆਪਣਾ ਛੁਟਕਾਰਾ ਹੋ ਜਾਤਾ ਇਸ ਜਨਮ ਚੱਕਰ ਆਪਣਾ ਛੁਟਕਾਰਾ ਹੋ ਜਾਤਾ ਦੁਨੀਆ ਸੇ ਇਸ ਮਨੋਰੰਜਨ ਕੀ ਦੁਨੀਆ ਸੇ ਆਪਣਾ ਤੋ ਕਿਨਾਰਾ ਹੋ ਜਾਤਾ ਇਸ ਮਨੋਰੰਜਨ ਕੀ ਦੁਨੀਆ ਸੇ
करा मेरी शिरोमणि मैया जी का बोल सच्चे दरबार की जय। प्रस्तुत करेंगे श्री विजय कुमार जी। जयकारा शिरोमणि का बोल सच्चे दरबार की जय। माँ ओढ़ के चुनरिया लाल मैं नाचू तेरे मंदिरों में, ओढ़ के चुनरिया लाल मैं नाचू तेरे मंदिरों में, माँ ओढ़ के चुनरिया लाल मैं नाचू तेरे भवनों में, ओढ़ चुनरिया लाल मैं नाचू तेरे मंदिरों में, माँ ओढ़ चुनरिया लाल मैं नाचू तेरे भवनों में, ओढ़ चुनरिया लाल नाचू तेरे भवनों में। जब कमाल मैं नाचू तेरे मंदिरों में, माँ ओढ़ के चुनरिया लाल मैं नाचू तेरे भवनों में, ओढ़ चुनरिया लाल मैं नाचू तेरे भवनों में, माँ ओढ़ चुनरिया लाल मैं नाचू तेरे मंदिरों में, ओढ़ चुनरिया लाल मैं नाचू तेरे मंदिरों में। बिन तेरे मुझे कुछ ना भाए, बिन तेरे मुझे कुछ ना भाए, कुछ ना भाए माँ कुछ ना भाए, कुछ ना भाए कुछ ना भाए, व्याकुल मन मेरा चैन ना पाए, व्याकुल मन मेरा चैन ना पाए, वो चैन ना पाए माँ चैन ना पाए, चैन ना पाए माँ चैन ना पाए, माँ कर दे पूरे सवाल मैं नाचू तेरे भवनों में, माँ कर दे पूरे सवाल मैं नाचू तेरे भवनों में, माँ ओढ़ चुनरिया लाल मैं नाचू तेरे मंदिरों में, ओढ़ चुनरिया लाल मैं नाचू तेरे मंदिरों में ओढ़ चुनरिया लाल मैं नाचू तेरे भवनों में, ओढ़ चुनरिया लाल मैं नाचू तेरे भवनों में ओढ़ चुनरिया लाल मैं नाचू तेरे मंदिरों में, भवनों में ओढ़ चुनरिया लाल मैं नाचू तेरे भवनों में तेरे जोत ना जागे, भवनों में तेरे जोत है जागे, भवनों में तेरे जोत है जागे, भवनों में तेरे जोत है जागे, जोत है जागे माँ जोत ना जागे, जोत है जागे माँ जोत ना जागे, पान सुपारी चढ़े तेरे आगे, 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 चढ़े तेरे आगे चढ़े तेरे आगे, तेरे आगे चढ़े तेरे आगे, आऊं द्वारे आऊं द्वारे आऊं द्वारे तेरे हर साल मैं नाचू तेरे मंदिरों में, आऊं द्वारे हर साल द्वारे तेरे मंदिरों में, आऊं द्वारे तेरे हर साल मैं नाचू तेरे भवनों में, आऊं द्वारे तेरे हर साल मैं नाचू तेरे मंदिरों में, मंदिरों में ओढ़ चुनरिया लाल मैं नाचू तेरे मंदिरों में, ओढ़ चुनरिया लाल मैं नाचू तेरे मंदिरों में, तेरे रंग में जो रंग जाए, तेरे रंग में
दर्शन पाए जिस दिन तेरा दर्शन पाए जिस दिन तेरा दर्शन पाए जिस दिन तेरा दर्शन पाए माँ करती माला माँ नैना तू तेरे मंदिरों में माँ करती माला माँ तू तेरे मंदिरों में माँ करती माला माँ तेरे भवनों में माँ करती माला माँ नाचो तेरे भवनों में माँ ओढ़ के चुनरिया लाल मैं नाचू तेरे भवनों में ओढ़ चुनरिया लाल मैं नाचू तेरे भवनों में रचने वाली सारे जग को रचने वाली माँ सारे जग को रचने वाली सारे जग को रचने वाली रचने वाली माँ रचने वाली रचने वाली माँ रचने वाली तू ही दुर्गा तू ही काली तू तेरे मंदिरों में तेरी लीला परम पार तू तेरे मंदिरों में तेरी लीला परम पार मैं ना तू तेरे मंदिरों में तेरी लीला परम पार मैं ना तू तेरे मंदिरों में जग जननी माँ ओ जग जननी माँ शेरों वाली जग जननी माँ शेरों शेरों वाली सबकी भरती झोली खाली माँ का हृदय बड़ा विशाल मैं नाचू तेरे मंदिरों में बड़ा विशाल मैं नाचू तेरे भवनों में माँ का हृदय बड़ा विशाल मैं नाचू तेरे मंदिरों में माँ का हृदय बड़ा विशाल नाचू तेरे भवनों में माँ ओढ़ के चुनरिया लाल मैं नाचू तेरे मंदिरों में भवनों में ओ चुनरिया लाल मैं नाचू तेरे मंदिरों में मैं ना तू तेरे मंदिरों में जयकारा शेरों वाली का सच्चे दरबार की जय आरोड़ा सुधंस भ्रमत जगरणे दक्षिणे चक सोत्र वामे हस्ते
सिद्ध्यांध्रे कणकमयं पुस्तकं जनगम्यं सभिन भदयन्ते स्वकृतजपे शास्त्रविज्ञान शब्दे प्रेरणंत दिव्यरूपा करकमलधरा भारते सुप्रसन्न सच्चे ज्योत वाली माता तेरी सदा ही जय। आज का पंचांग विक्रमादित्य से संबद्ध 2075 दक्षिण दक्षिण गोल हेमंत ऋतु कार्तिक मास की आज 30 प्रविष्टि ही शुक्ल पक्ष आज सप्तमी तिथि ही। आप सप्तमी तिथि जो है जिस 7:05 तक कहें उसके उपरांत अष्टमी प्रारंभ हो जाएगी। ये सप्तमी तिथि कल जिस 60 घड़ी थी आज जो है 7:05 तक कहें तो ये एक तिथि जब दो दिन जिस तिथि में सूर्योदय हो तो एक तिथि वृद्धि को प्राप्त हो जाती है। तो सप्तमी तिथि वृद्धि को प्राप्त हुई है जिस तिथि में दो बार सूर्य काल भी सप्तमी सूर्योदय सप्तमी हुआ और आज भी सप्तमी हो रहा है तो इसलिए एक तिथि बढ़ गई है। तो 7:05 के उपरांत जो है अष्टमी प्रारंभ होगी और कल गोपाष्टमी होगी। कल जो है सूर्योदय समय जो है अष्टमी होगी तो गोपाष्टमी का व्रत जो है यही कल होगा। बृहस्पतिवार तदनुसार 15 नवंबर सन 2018 के दिन प्रातः काल आरती के समय आप भक्तजनों को माँ भगवती के सीमन कंपन से माँ भगवती के दरबार में सत्संग करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। आप बड़े ही भाग्यशाली ही पुण्यात्मा हैं जब भक्तों को इस आरती की परम पवित्र वेला में माँ के चरण में बैठ करके माँ भगवती की आराधना करने का पुण्य अर्जित करने का आप भक्तों को सौभाग्य प्राप्त हुआ है। माँ भगवती की इसी तरह से भक्तों की कृपा बनी रही और भगवती के चरणों की सेवा का सौभाग्य सदा सर्वदा आप भक्तों को प्राप्त होता रहे। इस परम पवित्र वेला में आप सभी भक्तों को और जो श्रद्धालु माँ वैष्णो देवी दरबार की आरती को देख रहे हैं उन श्रद्धालुओं को भी माँ वैष्णो देवी की ओर से भूरी भूरी आशीर्वाद। आयुष्मान भवे संतते भाने भवे श्रीमान यशस्वी भव प्रज्ञा भवने भव भूरिभूत करणे दाने कनिष्ठो भव तेजस्वी भव बैरी गर्भदलने व्यापार दक्ष भव श्री शंबर पाद पुण्यरत सर्वोपकारी भव मंत्रार्थ सफला संत पूर्ण संत मनोर्थ है शत्रु नाम बुद्धि नाशोस्त मित्र नाम देश शरीर वर्चस आयुष्यम आरोग्यम आविदात शुभमानम हीते धनम धान्यम पशुम बहुपुत्र लाभम सत्समसरम दीर्घमायुः अस्तु दीर्घमायुः। माँ भगवती आप भक्तों की दीर्घायु करें आपको सुख समृद्धि प्रदान करें धन धन्य से समृद्ध करें सब ओर से आपका मंगल करें आपकी यात्रा को सार्थक करवल सच्चे दरबार की जय। तभी माँ भगवती की आरती होगी आप सभी भक्त जन भक्ति भाव से माँ की आरती करेंगे समृद्ध होना चालू जाते हुए। ओम जय Thank you.
सर्वभूतेषु बुद्धिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै नमो नमः या देवी सर्वभूतेषु शक्तिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै नमस्तस्यै नमो नमः नमस्तस्यै नमो नमः या देवी सर्वभूतेषु लक्ष्मीरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै नमस्तस्यै नमो नमः नमस्तस्यै नमो नमः या देवी सर्वभूतेषु श्रद्धारूपेण संस्थिता नमस्तस्यै नमस्तस्यै नमो नमः नमस्तस्यै नमो नमः या देवी सर्वभूतेषु दयारूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः या देवी सर्वभूतेषु मातृरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः माता की जय कृष्ण माता की जय लक्ष्मी माता की जय सरस्वती माता की जय सच्चे दरबार की जय। तो परम पूज्य पुजारी जी मां विभूति की पूजा करके आपके सामने इस गुहा द्वार पर आ गए हैं। इस पवित्र गुहा का पूजन करेंगे, अखंड ज्योति का पूजन होगा, उसके उपरांत मां विभूति की आरती उतारी जाएगी। आरती आप सब भक्तजनों के बीच में आएगी। शांति पूर्वक अपने अपने स्थान पर बैठे बैठे आरती की वंदना करना और मां भगवती से अपने कल्याण के लिए परिवार की सुख समृद्धि के लिए प्रार्थना करना। बोलो सच्चे दरबार की जय। ये प्रेम से बोलो जय माता दी, मंगल बोलो जय माता दी, बोलो जय माता दी, ताली बजाते जय माता दी, आप बोलो जय माता दी, जय माता दी, सत्य दंड जय माता दी, जय माता दी, जय माता दी, जय माता दी, सर्वे भद्राणि
पश्यन्तु सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत् ॐ शान्तिः शान्तिः प्रभु बैठे बैठे आरती क्रम देखें सुनें और मन मन माँ भगवती का नाम स्मरण करें। आप परम पूज्य पुजारी जी आरती प्रारंभ करते ही आप सभी आरती का आनंद लीजिए और माँ से प्रार्थना कीजिए, माँ भगवती आप शरणार्थ भक्तों का कल्याण करें, आप सबका मंगल करें। जय माता दी। रथ में गुरु जी को वंदना दिए आद गणेश दिए तिमरान शारदा मेरे कार्य करो हमेश जय मां आनंदे आनंद करो कल्याणी कल्याण मई आठ पहर चौसठ गली जो चरना दादान जय मां। घंटा शूल हरा संगम सले
फूला रानी माता तेरी सदा जगदा बला चंद वाली माता तेरी सदा सारे संसार में शांति देने वाली माता तेरी सदा फूला चुका माफ करने वाली माता तेरी सदा भाविक निवास करने वाली माता तेरी सदा लंकड़ा भी ठाकुर तेरी सदा बोला सच्चे दरबार की जय धर्म की धर्म की धर्म की अधर्म का अधर्म का अधर्म का प्राणियों में प्राणियों में प्राणियों में विश्व का विश्व का भारतवर्ष 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 हर हर महादेव बोलो बाबा शिधर की जय सनातन धर्म की जय गौ माता की जय वो सच्चे दरबार की जय पूज्य गुरु महाराज की जय पूज्य माता पिता की जय वो सच्चे दरबार की जय भक्तजनों को माता रानी जी का आशीर्वाद प्राप्त हो, सबकी मनोकामना पूरी हो, जयकारा शरण वाली दा वो सच्चे दरबार की जय। शक्ति रूपेण संचना नमः तस्मै नमः तस्मै नमः तस्मै।